नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष सिन्हा। आज हम चर्चा करेंगे लैंड एक्विजिशन बिल पर और किस तरह से ये पूरी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को, पूरी लैंड इंडस्ट्री, एक तरह की इंडस्ट्री जो है पूरे देश में, उसकी सूरत को बदल सकता है। जो ये फिलहाल कानून नहीं बना है, कानून बनने के पहले काफी कुछ चर्चा हुई है इस पे, और आज इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए, इससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन विशिष्ट मेहमान। हमारे साथ शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और विनीत सिंह भी 99 एकर से, शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा, जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल जो कहता है, फिलहाल जो पार्लियामेंट को जिस पर बहस करना है, ये जो लैंड एक्विजिशन बिल का ऑब्जेक्टिव जो कहता है, टू एंश्योर अ ह्यूमेन, पार्टिसिपेटरी, इन्फॉर्म्ड, कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड अर्बनाइजेशन विद लीस्ट डिस्टर्बेंस टू द ओनर्स ऑफ द लैंड। शर्मा साहब, काफी सारी बातें एक सेंटेंस में, मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव को अभी नहीं पढ़ा नहीं है, कितना आसान है एक बिल्डर के लिए इन सभी बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखना? क्योंकि मैं जनरल इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। इनफैक्ट क्या है कि जो पुराने 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट थे वो 100 ईयर्स ओल्ड है। उस समय डेवलपमेंट नहीं था, उस समय बहुत सारी चीज़ें जो आज 21st सेंचुरी में हमें देखने को मिल रही है वो चीज़ें उस समय नहीं थी। इसलिए आज के डेट में जो लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया जा रहा है लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के लिए, पीपीपी मॉडल का प्रोजेक्ट है जिसमें लैंड एक्विजिशन की बहुत जरूरत है। आज हम एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं उसमें लैंड एक्विजिशन की बहुत जरूरत है, मास हाउसिंग बनाते हैं उसमें लैंड एक्विजिशन की बहुत जरूरत है। सवाल ये है कि अगर आज हमारे कंट्री में अगर डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्विजिशन इज द प्राइम प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव इज ऑल राइट, बट नाउ वी हैव टू मेक द प्रोसेस सिंपल। हमें इस प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसमें जो टेन्योर होल्डर हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, उनका भी पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो डिस्कशन का मुद्दा है, जिसे आप एग्जांपल ले लें कि दिया गया है कि मोरेटोरियम या जो सेकेंड जनरेशन है 10 साल तक उनके फैमिली मेंबर्स को अगर लैंड सेल परचेज होता है उसका मोरेटोरियम उनको दिया जाए, कुछ चीज़ें इम्प्रैक्टिकल हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि जितना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता रहेगा इससे ट्रांसपेरेंसी कम होगी। क्योंकि आप अगर पहले भी देखें कि जैसे इमरजेंसी क्लॉज लगाया गया लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में, वो क्या था, इट वाज ओनली डन बाय दी गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड इन स्पीड। हम कुमार साहब से पूछते हैं, कुमार साहब, गुड़गांव के विकास को आपने देखा है, किस ढंग से शहर की सूरत बदली है और किस ढंग से हमने उसे डेवलप किया है, क्या उसको देखते हुए हमने मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये प्राइवेट बिल्डर्स के कारण गुड़गांव की आज जो भी स्थिति है वो है, या गुड़गांव की जो भी सूरत है वो है, क्या उसको देखते हुए लगता है कि सरकार और स्ट्रॉन्ग अगर रेगुलेशन बनाएगी तो शायद हरियाली ज्यादा होती गुड़गांव में, केओस जो आज हम देखते हैं शायद वो नहीं होता? ऐसा है, देखिए, अब जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का उसमें सरकार और प्राइवेट और पब्लिक तीनों के लिए आने वाला समय ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का है, ज़्यादा मेहनत का है, ज़्यादा सवालों का है और एम्बेरसिंग मूमेंट्स को फेस करने का है। डेवलपमेंट कभी कोई डेवलपमेंट प्रोसेस आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यों ज्यों डेवलपमेंट बढ़ती है लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और लोग चाहते हैं कि उस डेवलपमेंट में उनकी हिस्सेदारी हो। तो ये बिल जो है एक डेफिनेटली एक उस दिशा में एक एफर्ट है, लेकिन इसके बारे में बड़ी इलेबोरेट डिस्कशन की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप केवल प्राइवेट लोगों पर छोड़ देंगे कि वो अपने आप अपने लेवल पर ही डेवलपमेंट करें, तो जैसे आपने बताई कि गुड़गांव में या किसी और भी शहर में ये ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आ सकती हैं जहाँ पर आपको लगे कि गवर्नमेंट की और एग्रेसिव पार्टिसिपेशन होती तो शायद बेटर रहता। इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट के रोल को लेस ट्रांसपेरेंट कर देंगे और ऑटोनोमस कर देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली इसमें जो बिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसका जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे तो उसमें बार बार यही कहा गया है कि जो लोगों की लैंड है क्या उनको जस्टिस मिल रहा है। अभी भी लैंड एक्विजिशन में जहां पर भी झगड़े हो रहे हैं वो उन लोगों को ये लगता है जिनकी लैंड ली जाती है, उनको ये लगता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। आपने 5 लाख की लैंड ले ली
और उसके ऊपर 50 करोड़ की डेवलपमेंट कर दी, और वो 5 लाख में आप उसे कहो कि आप उसको आप सेटल हो जाइए अपने राइट के लिए, तो दैट इज नॉट फेयर एंड इक्विटेबल. सो यू नीड टू बी मोर, यू हैव टू बी मोर, फार मोर सेंसिटिव. सिमिलरली जैसे अभी शर्मा जी ने पहले अभी बातचीत करते हुए एक उदाहरण दिया था कि अगर एक कैनाल सीधी लेकर जानी है तो आप उसको सांप की तरह तो मोड़ नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कि किसी का सामने घर आ रहा है या किसी का कोई गांव का पोर्शन आ रहा है या कोई ऐसा पार्ट आ रहा है, तो आपको नेशनल डेवलपमेंट के लिए और सारे एरिया की डेवलपमेंट के लिए आपको उसको सीधा निकालना पड़ेगा. तो ये 1894 के एक्ट को भी अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उदाहरण के लिए उसमें एक सेक्शन है 31, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप जो भी करें उसमें डिस्क्रिप्शन भी दी. हालांकि हमने गवर्नमेंट ने उस डिस्क्रिप्शन को कई बार इतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया, सिर्फ आपको पैसा दे दिया और बाहर कर दिया. लेकिन आप अगर चारों तरफ की लैंड एक्विजिशन देखें तो पुराना जिस तरह से पैसे दिया जाता था जिसको कोई डिबेट ही नहीं करता था, अब उसको 10 जगह 10 बार एनहांसमेंट होती है, उसकी सुप्रीम कोर्ट तक एनहांसमेंट होती है. आज की डेट में गुड़गांव में भी जो प्लॉट किसी ने खरीदा है उसकी एनहांसमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट से 15 साल के बाद आकर लैंड ओनर को जा रहा है. India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.